खाते में रहना है पूरा ये लगे और पूरा में पैको बथेला और पूरा में बथेला थे पूरा हाथ बथेल ब्लॉक कालचीनी जिला अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल में सुकरा उराव बगान में श्रमिक था, मगर चार साल से मधुचा बगान बंद होने के कारण सुकरा आर्थिक तंगी से परेशान होकर पड़ोसी देश भूटान में काम करता था। 28 मई 2017 को जब वह काम से लौटकर घर आया तो हाथी का हमला से शिकार हो चुका और अभी उनका पूरा शारीरिक अंग विकलांग हो चुका है। घर में काम करने लायक कोई नहीं है, इसी कारण परिवार अभी आर्थिक तंगी से परेशान 2 जून रोटी के लिए तरस रहा है। जयगाँव जा रही थी भाई, जयगाँव से आली। जयगाँव में क्या कर गए रहे? लेबर काम जा रही, लेबर काम में गई आली। अब आगे खाना पीना पकालन पकाला तो बहुत ही बढ़िया रहे, खाली पीली फिर मैं तो सुत लो। अभी जो खाना वाना खाए गए उसको झाड़ा करके गला, झाड़ा कर गला, झाड़ा करके आवत रखे गए हाथी से लगला हाथी भेट गया। शुक्रा उराव का उम्र 34, शौचालय घर ना होने के कारण यह घटना हुई। भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर ग्रामीण स्तर में सचेतना एवं योजना चला रही है, मगर अभी तक चाय बागानों में 70% घरों में शौचालय नहीं होने के कारण इस तरह लोग खुले में बीमारी और दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अलग बड़ा साहब मन अलान बड़ा बाबू मने हाँ सुमर अगर आ गया फोटो वोटो करके गला न मने तब रेंजड़ मन बाद में अलन तब आवल पीछे ही मने वह रेंजड़ के गाड़ी में लेके लग लिया थी लोथा बड़ी वह गाड़ी में लोथा बड़ी लेके तब वहाँ से नहीं वाला गाड़ी आलीपुर भेजला वह गाड़ी में लेके गई आलीपुर आलीपुर से तब वहाँ से 2 दिन 1.5 दिन के बाद सिलीगुड़ी पुगा ली से दिन रेंजड़ बाबू दिलक पैसा ड्राइवर मन के एम्बुलेंस के भाड़ा दिलक पहले वहाँ से खाना खर्चा दिलक 1500 दिलक। घटना स्थल में बाक्सा टाइगर रिजर्व के वन अधिकारी और पुलिस अधिकारी पहुंचे। कमर पैर हाथ पूरी तरह टूट गई है, रेंग रेंग कर किसी तरह चलता है सुकरा। पैर में 28-30 टांके कराने के बाद सुकरा उराव को इसी हाल में बंद मधुबगान में छोड़ दिया जाता है। हालात तो हमारे एकदम बहुत खराब है, इधर चलते हमारे भी इन्हें उन्हें भाग दौड़ करते हमारे भी पैसा सिराई गलत इधर चलते हमारे इधर चलते भी हमारे भी थोड़ी भूख दुख होती पैसा कौड़ी बिना के घर में धराई जाए। बागान कर कहा बागान बंद है? कितना दिन से बंद है बागान? तो बहुत एक अंदर बहुत दिन हो गया, 3-4 साल से ऊपर हो गया। और एखन घरे रोजगार के करत रहे? रोजगार मैं मर्दादा करत रहा, मैं करत रहो या तो ये बैठ गया। कितना दिन से एखन रोजगार ना थे इनका? ये तो 9 महीना हो गया। रोजगार करे के लिए कहाँ जात रहा? जात रही जयगाँव। और आदमी मन कर सरकारी से कोनो सुविधा तो रहे कि मिलत है कि नहीं मिलत है? हमें इनके तो एकदम सरकारी से कुछ नहीं मिले। इस अमानवीय हालत को देखते हुए सहायक के रूप में खड़ा हुए कालचीनी पंचायत समिति के सदस्य इस दौर खड़िया एवं सताली ग्राम पंचायत के उप प्रधान राज क्रिकेटा मुआवजा जो मिलता है वो मिल जाएगा, तो मिल जाने से उसको ट्रीटमेंट के लिए हो जाएगा ले जाने आने के लिए। फर्स्ट में बोला अकाउंट बनाने के लिए, अकाउंट इधर उधर कर कुरा के दौड़ा दौड़ी करके हो गया अकाउंट। अकाउंट आधार कार्ड दे दिए, देने के बाद में वो लोग बोला नहीं भाई चलो आपका ये सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर का जो वहाँ से डिस्चार्ज किया, वो कागज़ चाहिए सिलवी का, वो दिए। देने के बाद में आपका 1 महीना बाद में बोलता है कि नहीं वो रिटर्न हो गया, वो नहीं चाहिए आपको, डॉक्टर से एक लिख के लाना पड़ेगा मेडिकल से। मेडिकल हम लोग गए, आप लोग का बीट से दिया था एक ठो कागज़ कि आपको इसके लिए एक ठो कागज़ बना दो बोल के हम लोग लेके गए। तो वहाँ से मेडिकल ऑफिसर बोला भाई जो इसको इशू किया है सर्टिफिकेट जो लेटर लिखा है उसको बुलाइए। हम लोग आके रेंजर को दिए, रेंज ऑफिस से कोई नहीं गया। रेंजर साहब बोला कि ठीक है आप लोग लोथारी से बनवा के लाओ टेम्प्ररी। हम लोग बनोकरम दफ्तर का जो है हम लोग का
अब्बास दा, उनको बोल के एक तो लिख के लेके आया, लिख के लेके आके जमा किए, हो जाने का बात था। जमा करने के बाद में एक महीना बाद में फिर आके बोलता है भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें आप एक तो और दूसरा बना के लेके आओ। अभी जो देख रहे हैं हम लोग पेशेंट का, मैंने वो जो घाव है वो टाइम पार हो गया, पक रहा है। अभी वो कागज़ बनाने गया हम लोग, होने से वो बनाते बनाते उसका सेप्टिक हो जाएगा, पैर काटना पड़ेगा। तो इतना दौड़ के फायदा किया हम लोग का, इसलिए हम लोग अभी इसको छोड़ के जाएंगे यहाँ पे, जो करेगा डिपार्टमेंट अपना वो कर लेगा। उनारा अनेक कष्ट करे टाका कलेक्शन टलेक्शन करे निये मेडिकल कॉलेजे जेत এবং ওইখান থেকে ওনাকে ছুটি দেওয়ার পরে তিন মাসের মধ্যে ওনার সেলাইটা খোলার জন্য আবার মেডিকেল কলেজে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু টাকা না হওয়ার কারণে ওনারা যেতে পারলেন না। এর জন্য ওনারা পরিবার থেকে বা আমরা এসে বারবার রেঞ্জারকে বলার সত্ত্বেও রেঞ্জার কোনো ইনিশিয়েটিভ নিল না। এই কারণে আজকে আমরা বাধ্য হয়ে ওনার শুক্রা উমরাওকে এইখানে আমরা ছেড়ে যাচ্ছি। রেঞ্জার যদি ওনার এখন ব্যবস্থা কিছু না করে তাহলে কি করতে হবে আমরা চিন্তা ভাবনা করব। আমি যে মধুবন থেকে ওনারা আসছিল ডেপুটেশন দিতে, রেঞ্জ অফিসার পাইনি, আমাকে বললো যে আমি একটা পেশেন্ট রেখে যাচ্ছি, এই কপিটা রিসিভ করেন আপনি। যেহেতু এটা রেঞ্জ অফিসারের অফিস, আমি এখানে কোনো চার্জে নাই, ওই জন্য আমি এই রিসিভ করতে পারলাম না। তাহলে এখন অফিসের দায়িত্ব কে আছে? দায়িত্ব এখানে আছে, ডিআরও আছে, উনি জঙ্গলে গেছে, জঙ্গল থেকে ফিরবে চারটার সময়। মানে আপনি? আমি আপাতত এখানে তো জয়েন করে আছি, আমি কোনো চার্জে নেই। হ্যাঁ, এই লোকটা যে করেছে তাহলে লোকটা কি? এই লোকটাকে তো আমি বলি নাই যে এখানে ছেড়ে যেতে। এখন ওনারা যেহেতু বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য বলছে, ওনারা ছেড়ে যাবে বলতেছে, আমার করার কিছু নাই, কিন্তু আমি এটা রিসিভ করতে পারলাম না। শুক্রা উরাওকা সহযোগী বানে কে লিয়ে अधिक से अधिक कॉल कर आवेदन करें। नरेश विश्वकर्मा 8348352131 नंबर में अधिक से अधिक आवेदन करें, ताकि शुक्रा को जल्द से जल्द सरकारी मुआवजा एवं मेडिकल चिकित्सा सुचारू रूप से मिले। मैं हरिहर नागवंशी पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहट के लिए।